अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच, प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। परिचय, इंट्रोडक्शन। हम अपने जीवन में अक्सर रोजाना के कथनों या दावों को ऐसे ही मान लेने के बजाय तर्कों से तौलने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने विज्ञापनों में देखा सुना होगा कि आप इस पेंसिल से लिखेंगे तो तेज लिख पाएंगे, या आप अपने बच्चे को यह टॉनिक पिलाएंगे तो वह तेज दौड़ेगा। यानी अगर आपको तेज लिखना है तो उसी पेंसिल से लिखें, और टॉनिक पीने से तेज दौड़ेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। अब बात आती है कि इन दावों और कथनों को जो हम सुनते रहते हैं उन्हें कैसे जांचा जाए या उनकी सत्यता कैसे पता की जाए। एक तरीका तो है कि बार बार अवलोकन यानी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन करके पता करें कि टॉनिक पीने से कितने बच्चे दौड़ में अव्वल आए या कितने बच्चों का कद बढ़ा, अथवा उसी पेंसिल से लिखने वाले कितने बच्चों की लिखने की गति तेज हो गई। फिर इन अवलोकनों के आधार पर आगे सोचा जा सकता है। पर क्या यह तरीका हर स्थिति में कारगर होगा? क्या यह गणितीय कथनों पर भी लागू हो सकता है? जैसे इन कथनों को पढ़िए। किसी संख्या का गुणज उस संख्या के सभी गुणनखंडों का भी गुणज होता है। जो संख्या 8 से विभाजित होगी वह 4 से भी विभाजित होगी। संख्या 0.000001 संख्या 10 की घात ऋण 20 से बड़ी है। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है। ऐसे कथनों को जांचने के लिए क्या पहले वाला तरीका उपयोग कर सकते हैं? यानी क्या हम कथन एक को जांचने के लिए हर संख्या के सभी गुणज और गुणनखंड निकालेंगे, या फिर कथन दो में 8 से विभाजित होने वाली अनंत संख्याओं को 4 से विभाजित करके देखेंगे? यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के कथनों को जांचने के लिए यह तरीका संभव नहीं है। कुछ व्यापक तरीके या आधार जरूरी हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि 0.000001 10 की घात ऋण 20 से बड़ा है या छोटा। इसी तरह कोई ऐसा नियम चाहिए जिनके आधार पर विषम संख्याओं का जोड़ सम संख्या दिखाया जा सके, या फिर संख्याओं के गुणनफल का परीक्षण हो सके। आइए गणितीय कथनों को जांचने का तरीका पता करते हैं। गणितीय कथनों को सिद्ध करना। इसके लिए हम कुछ कथनों का उदाहरण लेकर देखते हैं। संख्याओं के कथन। कथन एक, एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा विषम संख्या होती है। उपपत्ति। किसी भी संपूर्णांक b को हम b=2k लिख सकते हैं, जहां k कोई पूर्णांक है। संपूर्णांक की परिभाषा से चूंकि b 2 से विभाजित है। किसी भी विषम पूर्णांक a को हम a=2k1-1 लिख सकते हैं, जहां k1 भी पूर्णांक है। किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। अब कथन एक और दो को जोड़ने पर हमें मिलेगा a=2k1-1(2)(k1)(1)(1) = 2m(1), जहां m=k(1) है और m एक पूर्णांक है। चूंकि 2m एक सम संख्या है, अतः 2m-1 एक विषम संख्या है। यानी एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा विषम संख्या ही होगी। आपने देखा कि यहाँ हमने सम और विषम पूर्णांकों की परिभाषा के आधार पर इस कथन को सिद्ध किया है। ज्यामिति कथन। आपने कक्षा 9 में ज्यामिति के कथनों को सिद्ध करना सीखा है। जैसे चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है, या यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यहाँ हम दूसरे कथन की उत्पत्ति करेंगे
और उसके मुख्य पहलुओं को ढूंढेंगे। कथन दो, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। उपपत्ति, माना ए बी और सी डी समांतर रेखाओं को पी क्यू तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। यहां कोण एम एन डी व कोण ए एम एन एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म है तथा कोण एम एन सी व कोण बी एम एन एकांतर अंतः कोणों का दूसरा युग्म है। हमें यह देखना है कि क्या कोण एम एन डी बराबर कोण ए एम एन व कोण एम एन सी बराबर कोण बी एम एन। चूंकि कोण पी एम बी व कोण एम एन डी संगत कोण है, इसलिए कोण पी एम बी बराबर कोण एम एन डी संगत कोण अभिगृहित से तथा कोण पी एम बी बराबर कोण ए एम एन शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय से। अब हम इन एक और दो कथनों से प्राप्त करते हैं कोण एम एन डी बराबर कोण ए एम एन, इसी प्रकार कोण एम एन सी बराबर कोण बी एम एन। अतः यहाँ एकांतर अंतः कोणों के दोनों युग्म बराबर हैं।